तभी तो हम बेचारे झोरियों को जोरों तक दौड़ना पड़ता है। जया, आप हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर उपन्यास लेखिका और हिंदुस्तान में अपनी नई किताब के लिए कुछ मसाला इकट्ठा करने आई। बड़ी अच्छी बात है। चलो जॉन, चलोगे नहीं? चलो विलियम, चलो। हमें लेने के लिए तो कोई आने वाला नहीं है। क्यों नहीं मेयर साहब, आपके स्वागत के लिए प्यारे लाल मौजूद है। हिंदुस्तान का मशहूर कहे प्यारे लाल, हिंदुस्तान में किस चीज की कमी है? राजे महाराजे, जहरीले नाग, काटते हुए शेर, हाथी, नाचती हुई लड़कियां। साहब गाइड? हाँ हाँ, मैं मशहूर गाइड प्यारे लाल। मैं आपको अभी बम्बे के बाजारों की सैर कराऊंगा और आपकी गोरी गोरी मलाई दिखलाई के लिए काली काली चूड़ियां ले दूंगा। हमारा कमरा ताजमहल होटल में रिजॉर्ट है। हाँ, वो वहाँ टैक्सी खड़ी है, मैं आपको अभी ले जाता हूँ। आइए आइए, चलिए चलिए, जाइए। मैं गाइड को जाना आदमी है। तुम जरा सामान का ख्याल रखना, इन्हें बाहर तक छोड़ा। ठीक है। होटल तो करीबी है मेम साहब, मगर पहले मैं आपको हमारे इस बम्बई की जरा झलक दिखा दूं, फिर चलेंगे होटल। अच्छी बात है। हाँ, माफ करना साहब, मैं जरा पूछ सकता हूँ आप लोग कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? इंग्लैंड से। अच्छा, और ये है मेम साहब बम्बई की सबसे मशहूर सड़क, हॉर्न बी रोड। और मेम साहब, ये जो ऊंची इमारत दाईं तरफ दिखाई दे रही है, इसे विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहते हैं। अच्छा, तो यही है विक्टोरिया टर्मिनस। जी। और ये बॉम्बे कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है, और ये सब हिस्सा बोरी बंदर कहलाता है। काफी खूबसूरत शहर नजर आता है विलियम, ये बम्बई। ये तुम्हें लंदन की याद नहीं दिलाता? मॉडर्न शहर है। और मेम साहब, वो जो बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है, वो दरिया के किनारे बिना फाटक वाला, वही है मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया। और ये है सामने आपका ताजमहल होटल। अच्छा। यही है दुनिया का मशहूर ताजमहल होटल। रूम, बिगर बाथरूम, डबल लिफ्ट, गो अप एंड डाउन। मेम साहब, यहाँ सब चीज डबल ही डबल है। होटल भी चार डबल स्टोरी है मेम साहब, सिंगल चार्ज है, नो राशन कार्ड। मेम साहब अंदर चलिए, अंदर चलिए, मैं भी सामान लेकर आता हूँ मेम साहब। पिछले तीन दिनों में जॉन ने बम्बई शहर अच्छी तरह घूम फिर कर देख लिया। समुद्र के किनारे बल खाती हुई ये सड़क उसे बड़ी अच्छी लगी।
नाच नाच बंदरिया नाच, लंदन से आई में नाच दिखा दे, नाच दिखा दे, बोल नाचती क्यों नहीं कंजरी रख दे, ताली बजा के नाच, ताली बजा के, ऊपर गिरती है ताली नहीं बजाती, लंदन की मेम 2 रुपए देगी। क्या आपकी विलायत में भी मेम साहब इतना बढ़िया बंदर का नाच होता है? ये डुक 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 डुक, इतनी अजीब बात है, जरा सी रस्सी के इशारे पे नाच रहा है बंदर। आदमी सचमुच कितना चालाक होता है। हेलो मिस्टर ग्रिफिथ। हाँ, और मैं आपको वहां देख रहा हूँ। जरा इन मोतियों की आपको मुलाजा फरमाइए। ये हार मैंने पिछले साल सिंगापुर से खरीदा था और सोचा था किसी रानी महारानी को बेचूंगा। क्या कीमत है हार की? मैंने तो इसके लिए 10,000 दिए थे। 10,000? जी हाँ मिस्टर ग्रिफिथ, औरत की मोहब्बत को जीतने के लिए जेवर से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं। क्या लागत है, क्या लेंगे आप? जी मैं क्या बताऊं, दोस्ती में सौदा कैसा। अच्छा तो मिस्टर देसाई, आप अपनी कीमत पर 10% मुझसे ज्यादा ले लीजिए। मुझे मंजूर है, आप ये हार रखिए, मैं चेक बाद में ले लूंगा। अरे मिस डेविस आ रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर देसाई। गुड मॉर्निंग मिस डेविस। आप यहाँ कैसे? बस यूं ही घूमता हुआ इधर चला आया। कहिए आपको अपनी किताब के लिए मुंबई में नया मसाला मिला? 3 दिन हो गए हमें यहाँ आए, लेकिन आपके बॉम्बे में मुझे वो हिंदुस्तान नहीं नजर आया जिसे देखने के लिए हजारों मील का सफर करके आ रही हूँ। हाँ, अगर आपको असल हिंदुस्तान देखना है तो आपको देहातों में जाना होगा, गांव में जाना होगा। तुम कैसे गाइड हो जी, इन्हें असली हिंदुस्तान दिखाओ, देहातों और जंगलों की सैर कराओ। बहुत अच्छा साहब, इत्मीनान रखिए मैम साहब, मैं आपको सारे हिंदुस्तान की सैर कराऊंगा, दिल्ली का कुतुब, बनारस के घाट और आगरे का ताज दिखाऊंगा, हाथियों की लड़ाई और शेरों का शिकार दिखाऊंगा, मथुरा के पेड़े और रापड़ का पापड़ खिलाऊंगा। विलियम, एक मोटर क्यों ना किराए में ले डाले, फिर हम जब और जहाँ चाहें जा सकेंगे। अच्छा मिस्टर ग्रिफिथ, अगर आज शाम को आप कुछ नहीं कर रहे तो शाम की चाय मेरे साथ रहे और रात का खाना भी, कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। हम लोगों को बहुत बहुत खुशी होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, आइए अंदर चलिए। मिस जॉन डेविस और मिस्टर ग्रिफिथ से मिलिए। आप हैं मिस्टर वर्मा, मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर गोयल, मिसेज चोपड़ा और मिस वर्मा। आज का रोज मुबारक हो मिस्टर देसाई। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। क्या बात है मिस्टर देसाई, ये लोग किस बात पर मुबारकबाद दे रहे हैं? हाँ क्या बात है मिस्टर देसाई? हम लोगों में ये दस्तूर है कि शादी के मौके पर शादीशुदा जोड़े को हर साल उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी जाती है। जब आप लोगों की जब आपकी शादी होगी तो आपको भी ये राज मालूम हो जाएगा। अच्छा मिस्टर देसाई, हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको रात के खाने के लिए ठहरना पड़ेगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए ना, तशरीफ रखिए मिस्टर गोयल। बैठिए बैठिए ना। मुबारकबाद देने को हवाओं से आई है, बहारे सारी दुनिया की वो अपने साथ लाई है। खुशियों के चांद मुस्कुराए रे ओ, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे ओ, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जमाने आए हैं। खुशियों के चांद मुस्कुराए रे ओ, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जमाने आए हैं। खुशियों के चांद मुस्कुराए रे।
तू पे बात लिखी आए रे ओ, तू पे बात लिखी आए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। खुशी प्यार बन के झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, खुशी प्यार बन के झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, मोहब्बत की महक लुटी जा रही है, मोहब्बत की महक लुटी जा रही है, लुटी जा रही है, आँखों में रात झूमी जाए रे ओ, आँखों में रात झूमी जाए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। मोहब्बत का इन पे असर हो गया है, असर हो गया है, मोहब्बत का इन पे असर हो गया, इसे न आज रहा जाए रे ओ, इसे न आज रहा जाए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे ओ, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे, खुशियों के चांद मुस्कुराए रे। जोन और विलियम को साथ लेकर गाइड प्यारेलाल उन्हें सारे हिंदुस्तान की सैर करा रहा है। आप इत्मीनान रखिए मेम साहब, मैं आपको सारे हिंदुस्तान की सैर कराऊंगा, नदी नाले पहाड़ लहलहाते खेत सब दिखाऊंगा। देखिए हम नदी पर से गुजर रहे हैं। ओहो, कितनी बड़ी नदी है और पुल भी कितना लंबा है। इस वक्त हम मध्य भारत में सफर कर रहे हैं मेम साहब। ये जंगल बड़ा घना मालूम होता है। जी हाँ मेम साहब। क्या यहाँ शेर भी होता है? हाँ हाँ, बड़ा बड़ा शेर होता है साहब। होनी को कौन रोक सका है? मध्य भारत के इस भयानक जंगल में आने रात के इस अंधेरे सन्नाटे में तो अचानक फेल हो। ये फिर क्या हो गया भाई इस मोटर को? पता नहीं साहब। अरे बाप रे, बड़ा भयानक जंगल है ये, शेर डाकू चोर चीता, मेरा तो दिल खा जा रहा है। इस मोटर को जल्दी सुधारो, हे भगवान। मुझसे नहीं सुधर सकती ये मोटर। भाई प्यारेलाल, तुमने हमें ये बड़ी खराब गाड़ी लाके दी। बनारस पहुंची साथ हमें ये बदल डालनी पड़ेगी। ऑलराइट। मगर हम बनारस कैसे पहुंचेंगे? सारी रात हम जंगल में तो नहीं रह सकते। मालूम तो ऐसे पड़ता है, कल सुबह देखा जाएगा। गाइड,
यहाँ से गांव कितनी दूर? मेरा दिमाग रात को बिल्कुल फट हो जाता है, दिल भी काम नहीं करता, मगर 40 मील से कम यहाँ कोई गांव नहीं होगा। मुझे तो डर लग रहा है, देखो ना कितनी भयानक रात है। वो क्या है? वो कहाँ? वो झाड़ी के पीछे। आंखें, वो आंखें है, वो शेरी की आंखें है, वो शेरी की आंखें, वो हमारी तरफ आ रहा है। भगवान इस गरीब प्यारे लाल की रक्षा करना, मेरे तीन तीन बच्चे दो दो औरतें हैं। शिव जंगू शिव जगति शिव नारायण नारायण नारायण। क्या बात है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जी गाड़ी बिगड़ गई है और सुधर नहीं रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शिकार पर निकला हूँ और शेर की तलाश में जा रहा हूँ। ऐसी अगर आप अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दें और किसी गांव तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये बेचारी बहुत भूखी हैं और हम सब बहुत थके हैं। आइए मेरे साथ। मगर सुनिए, मेरे पास गाड़ी में खाना है, हम लोग साथ बैठकर यहीं क्यों न खा लें? बड़ी मेहरबानी होगी, मगर कहीं आपका खाना कम ना जाए, इसकी फिक्र न करें। बाला जी हुजूर। देखो गाड़ी से वो खाने की प्याज निकाल लाओ और कंदील भी। बहुत अच्छा हुजूर। देखो फ्लास्क में बर्फ। देखा जॉन, आखिर भगवान ने प्यारे लाल की पुकार सुन ली। ओ गॉड यू आर ग्रेटेस्ट, तूने मेरी पुकार सुन ली, जीता रहा शिव शंकर शिव शंभु शिव शक्ति शिव शक्ति। कंदील जला दिया बाला? जला रहा हूँ महाराज। प्यारे लाल। यस सर। वो कंबल कहाँ रखा है? गाड़ी के पीछे रखा है। ला रहा हूँ साहब। रात के इस मदमस्त सन्नाटे में मैंने देखा नीली आंखों वाली एक खूबसूरती ताज्जुब भरी निगाहों से मुझे ताक रही है। मैं भी उसे ताक रहा था। हम दोनों ही पास पास खड़े एक दूसरे को ताक रहे थे। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरा नाम जॉन डेविस। बहुत खुश हुई आपसे। सो प्लीज्ड टू मीट यू। और ये साहब कौन आपके? ये मेरे मंगेतर है मिस्टर विलियम ग्रिफिथ। ओह आई सी। आप तकलीफ न कीजिए मिस्टर ग्रिफिथ, मेरा नौकर सब ठीक कर देगा। गलीचा बिछा दूं महाराज। ला हम बिछा लें। तुम ये बंदूक पकड़ो और जल्दी से खाने की बास्केट बाहर निकाल कर लाओ। जो हुक्म महाराज। आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर रंजीत सिंह? मेरी बात मत पूछिए। कुछ दिनों से मैं कुछ महीनों से जगह जगह भटक रहा हूँ। बहुत शौक है आपको शिकार का? जी हाँ, मगर यही बात नहीं, मुझे आजकल एक तरह का बनवास है। बनवास? बात यह है मिस डेविस के मिस जॉन डेविस, कहीं आप इंग्लैंड की मशहूर उपन्यास लेखिका तो नहीं? जी आप ही हैं। ओह सी, कितनी अजीब बात। आपको पता मैं आपकी तमाम किताबें पढ़ चुका हूँ, गजब का लिखती हैं आप। मेला देखने चला ना मम्मी? फिर कभी चलेंगे बेटा। बेटा नहीं, घर में मेहमान आए हुए हैं, तेरे रंजीत चाचा। तुमने भी खूब कहा भाभी, कुंवर साहब और मेहमान। क्यों कुंवर साहब, ये आप मेहमान कब से बन गए? भाई मुझे क्या पता, भाभी से पूछिए। ओह आप तो ऐसे झपट पड़े जैसे चील झपटती है। मालूम होता है दो चार दिन से खाना नहीं खाया। वाकई रंजीत ने दो चार दिन से खाना नहीं खाया, जंगल में मेहमानबाजी करने बैठ गए और अपना खाना दूसरों को खिला दिया। यार गोपाल तुम भी तीन दिन पुरानी खबर सुना रहे हो। अगर कोई जंगल में मेहमान नवाजी न दिखाए तो क्या तुम्हारे बनारस में दिखाए? कौन थे मेहमान? जरा मैं भी तो सुनो कुंवर जी। इंग्लैंड की मशहूर उपन्यास लेखिका मिस जॉन डेविस, क्या गजब की पर्सनालिटी है। याद रखिए कुंवर साहब, आपको तो किसी दीगर स्त्री की तारीफ करने का कोई हक नहीं है। अच्छा तो जी, मेला देखने कब चलेंगे? अपने रंजीत चाचा से पूछो। क्यों रंजीत, चलते हो मेला देखने? क्यों नहीं, सबके सब चलें। चलिए मैं भी बांट दीजिए। चलो चलो कुमार जी। मेला देखने हम लोग अकेले ही नहीं गए, हमारे साथ जॉन विलियम और गाइड प्यारे लाल भी थे। मेले के भीड़ भड़कके में जॉन और मैं अपने साथियों से अचानक बिछड़ गए। ये एक साथ बिछड़ना हम दोनों को बहुत भाया और हाथ में हाथ डाल हम दोनों मेले के नाच रंग तमाशे में शरीक हो गए। Thank you.
कितना खूबसूरत पंखा है, मयूरपंख। हाँ, मयूरपंख बहुत शुभ समझा जाता है जून। अपनी पहली मुलाकात की याद में मयूरपंख का ये पंखा मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। शुक्रिया। क्या दाम है इसके? सिर्फ 5 रुपया साहब। मैं तो चलूं पश्चिम पूरब चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। मैं तो चलूं पश्चिम पूरब चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। सूरज चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। मैं तो चलूं पश्चिम पूरब चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। तड़प चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। मैं तो चलूं पश्चिम पूरब चले दुनिया, मेरी किस्मत पे बड़ी जले दुनिया। ये पंखा तुम्हें कहाँ मिला? मेले में ये पंखा रंजीत ने मुझे दिया। क्या है ये? ये मयूर पंख है, बड़े शुभ से। किसी गैर आदमी से तुम्हें इस तरह की भेंट नहीं कबूल करनी चाहिए थी जॉन। रंजीत कोई गैर तो नहीं, अजीब बात है, उसका खाना हम खा सकते हैं पर जरा सी भेंट नहीं कबूल कर सकते। इसमें कौन सी अजीब बात है? विलियम, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर मैं हिंदुस्तान घूमने आई हूँ, जब तक मैं लोगों से नहीं मिलूंगी किताब का मसाला कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ? ऐसा लगता है जब तक मैं रंजीत को नहीं समझूंगी उसके देश को भी समझ नहीं सकूंगी। मैंने जोन से वादा किया था कि दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे बनारस के घाट पर मिलूंगा और अपने साथ उसे सारे घाट और मंदिरों की सैर कराऊंगा जिसके दर्शनों के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्री आते हैं। Thank you.
तरह मैं जोन को ढूंढ रहा हूं, जोन भी उसी तरह मेरी तलाश में घूम रही है। मगर जिस तरह होनी को कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह अनहोनी को भी कोई नहीं रोक सका। हम दोनों एक दूसरे के इतने पास आकर भी एक दूसरे को देख न सके। दोनों के बीच बराबर बना रहा और हम दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही निराश होकर लौट गए। मॉडर्न होटल, देखिए मैं मिस डेविस से बात कर सकता हूं? मिस जोन डेविस, कमरा नंबर 24। जी क्या कहा? वो लोग होटल छोड़ चले? एक घंटा हुआ। आपको पता है कहां गए हैं? नहीं पता जी। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। तो आपकी मिस जॉन डेविस बगैर आपसे मिले ही चल दी? बाला, बाला। जी हुजूर। देखो हमारा सामान बांधो, हम जाएंगे। बहुत अच्छा हुजूर। कहां जा रहे हैं रंजी? मैं यहां से आगरा जा रहा हूं गोपाल, कुछ रोज श्रीवास्तव के यहां रहूंगा। आगरे से कब वापस आइएगा कुंवर साहब? अब मैं नहीं आऊंगा मंजू, आप लोग आएंगे कानपुर के पास शिकार के लिए। क्यों गोपाल? जैसा चाह, लेकिन अपना प्रोग्राम जरूर लिख भेजना। जरूर, मैं जाकर श्रीवास्तव से शिकार के लिए कहूंगा। भाई आप लोगों की इस मेहमान नवाजी और खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों को छोड़ो वीरन जी, वो मजा आएगा शिकार का, हाथी पर चढ़कर शेर का पीछा करना। तो देखिए आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर। मेरी तरफ से मायूस हो जोन फिर से जगह जगह भटकने लगी, मगर अपने दिल का दर्द उसने विलियम पर जाहिर न होने दिया और वो विलियम की खुशी में शरीक होने की भरसक कोशिश करने लगी। वो देखो कितनी सारी भेड़ें जा रही हैं। इसके बाद विलियम और गाइड के साथ घूमती फिरती जोन आगरा पहुंची। आगरे में ताज जोन को इतना पसंद आया कि वो हर रोज शाम को उसे देखने के लिए आने लगी। आइए मैम साहब, आइए आइए आइए। अच्छा विलियम तुम जाओ, मैं चाय के टाइम तक होटल में पहुंच जाऊँ। अच्छा, ताजमहल ने तो मैम साहब को दीवाना बना रखा है, मगर विलियम साहब गौर फरमाइए, 500 बरस से ये धूप और पानी में खड़ा है, मगर वैसा का वैसा ही, वही कशिश, वही शान, वही आन, वही मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई, मगर तुम मुझे कहीं दिखाई न दी।
रंजीत, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मैं भी नहीं। तो इसका मतलब हम दोनों एक घाट पर गए थे मगर एक दूसरे को देख न पाए, क्यों? हाँ, ऐसा ही हुआ है। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई रंजीत। मुझे भी। कहो जॉन, ये ताज कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, ऐसी बढ़िया इमारत मैंने कभी नहीं देखी। नहीं जॉन, ताज को इमारत न कहो, ये इमारत नहीं। तो फिर? ये एक बादशाह का अपनी मलिका को तोहफा है। संगमरमर में एक खूबसूरत ख्वाब है ये ताज। जब मुलाकात हुई तो एक ऐसी पाक जगह पर जो दूसरे दो आशिकों का मजार था, जिसे लोग ताजमहल के नाम से पुकारते हैं। मेम साहब, सलाम साहब, मैं सुनाऊं साहब? हुजूर, खुदा हुजूर की जोड़ी सलामत रखे। यही है वो लड़की, जब ये ताजी कहानी गाकर सुनाती है तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनोगे ना? हाँ सुनूंगी। सुन लड़की, सुना, वही ताजी कहानी वाला, अच्छी तरह सुनाएगी तो इनाम देंगे। अच्छी तरह सुनाऊंगी साहब। अब्बा। अच्छा बेटा। मोहब्बत की दास्ता आज सुनोए, मोहब्बत की दास्ता सुनो, मोहब्बत की दास्ता आज सुनोए, मोहब्बत की दास्ता सुनो। लो दिल थाम लो ऐ ज़मीं आसमाए, मोहब्बत की दास्ता सुनो। लो दिल थाम लो ऐ ज़मीं आसमाए, मोहब्बत की दास्ता सुनो। अजब शान थी जिसकी उल्फत भरी, अजब शान थी जिसकी उल्फत भरी, उसे मिल गई प्यार की एक परी। इश्क होने लगा उसने पे मेहरबानी, मोहब्बत की दास्ता सुनो, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुनो। गुजरने लगी चैन से जिंदगी, वो मुमताज एक राज कहने लगी। गुजरने लगी चैन से जिंदगी, वो मुमताज एक राज कहने लगी। धड़कते दिलों पे जवानी रहे, धड़कते दिलों पे जवानी रहे, जहाँ में हमारी कहानी रहे। रख दो दुनिया में अपने प्यार का इतनी साए, मोहब्बत की दास्ता सुनो, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुनो। तोहफा बड़ा दिल नसीब, कहाँ से जहाँ मेरी नाज़नी, तुझे दूंगा तोहफा बड़ा दिल नसीब। पसंद उसने जमुना किनारा किया, पसंद उसने जमुना किनारा किया, पत्थरों से सितारा किया।
इस तरह ताज का जग मगाया निशा, ये मोहब्बत की दास्ता सुना, मोहब्बत की दास्ता तो आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्ता सुनो। जुदा हो दिल ताज रोनी गई, रुलाती हुई दिलवानी गई, जुदा हो दिल ताज रोनी गई, रुलाती हुई दिलवानी गई, अमर ताज हर दम यहाँ, खत्म अफसाना है आसमां की सुबाएं, मोहब्बत की दास्ता सुना, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुना, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुना। अल्लाह आप लोगों को खुश खुर्रम रखे। सलाम साहब। अच्छा तो बताओ आज ताज में मुझे कौन मिल गया? कौन? रंजीत। रंजीत? हाँ, हमने तराई के जंगल में शेर की शिकार के लिए बुलाया है। कह चुका हूँ जोन, जिस तरह से याद भी तुम्हारा पीछा कर रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मगर वो हमारा पीछा नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता तुम उसके इतने खिलाफ क्यों? क्या हम उसके साथ शिकार पे नहीं जा सकते? मगर मैं हाँ कह चुकी हूँ, अब ना कह सकूँ? क्यों नहीं कह सकती? उससे कह दो कि मुझसे पूछना था और मैंने ना कर दी है। विलियम हुई है, मगर होने जो वाली है बहुत जल्दी। खैर मैंने तो चलने के लिए कह दिया और मैं जरूर जाऊंगी शिकार कर। चलो ना तुम्हें मेरे साथ। ना मैं नहीं, रात के मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां एक हफ्ता ठहरूंगा। अगर तब तक तुम ना आई तो मैं चला जाऊंगा लंदन। यकीन जानिए। क्यों रंजीत? श्रीवास्तव ठीक कह रहे हैं मिस डेविस, कल शिकार में एक शेर मालेना कोई मुश्किल नहीं। आपको याद है ना डॉक्टर साहब, दो साल पहले जब हम लोग इसी जगह शिकार के एक दिन में। हाँ रंजीत, देखना उधर कौन आ रहे। ओ इधर से मिम साहब, जरा संभल कर ये रस्सी से, जरा संभलना। ओहो जरा रस्सी से बनो, जरा संभल कर आना। हाँ ये लगे ना मुझे, सुबह से आपका इंतजार हो रहा है, आपका भी और आपका और आपका भी, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हेलो रंजीत। तो आप लोग अब आ रहे हैं? भाई क्या करें, गलती हमारी नहीं इनकी, इनसे कहिए। सब शादीशुदा आदमी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, गलती चाहे तो खुद करें मगर दोष बेचारी औरत का। आप खुश नसीब हैं मिस डेविस जो आपने अभी तक शादी नहीं की। माफ कीजिए मेरे दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव, इस शिकार पार्टी का इंतजाम आप ही ने किया है। अच्छा आप गोपाल, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी स्त्री कमला, मेरी बहन मंजू। नमस्ते नमस्ते। लेकिन चाय लीजिए, मैं अभी मंगवाता हूँ। मैं शिकारियों की तो आपकी अच्छी खासी भीड़ मालूम होती है। मुझे नहीं पता था कि आप भी आ रही है, कुंवर साहब की मेहरबानी। हाके वालों का बंदोबस्त हो गया सरकार। अच्छा तो देखो सुबह होते ही हाथियों के हौदे कसवा देना, बस नाश्ते के बाद ही हम लोग रवाना हो जाएंगे। क्यों रंजीत? ठीक है। अरे जगू सुनना, तुम्हें तो मालूम है ना हम लोगों को कहाँ जाना है? जी हुजूर। तो देखो सब हाके वाले बराबर वक्त पर वहां जंगल पर पहुंच जाएं। बहुत अच्छा हुजूर। तो मैं कह रहा था मिस डेविस, पहली बार जब मैं शिकार खेलने गया। बिल्कुल झूठ यार खन्ना, कभी तो सच बोला करो। मेड़की को देखा नहीं कि पसीना छूटने लग जाता है। पता कब गए तुम शिकार को? भूल गए, इन्हीं के साथ गया था पहली बार, जब इन्होंने शेर को दोनों हाथों से दबो दबो के नमक से मार डाला। मिस मन आप चाय पीएंगी? शुक्रिया मैं चाय नहीं पीती।
मैं पी लूं। आप बहुत ही अच्छा खेलते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया। आपको ये जगह तो पसंद आई गोपाल सिंह? जी बहुत, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ जो हम यहाँ आए। अच्छा ही किया, हवाखोरी से आदमी की सेहत बनी रहती है। हाँ ये तो है। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। अच्छा ये तो बताइए, आप किताब कैसे लिख लेती हैं? मेरा मतलब है आपको कहानियाँ कहाँ से मिल जाती हैं? जिंदगी से, हर जिंदगी एक कहानी होती है। और कहानी के पात्र, कहानी की घटनाएं? वो भी जिंदगी से। मैं समझता हूँ किताब लिखना काफी मुश्किल काम है। शेर के शिकार से ज्यादा मुश्किल नहीं। पता नहीं, लेकिन मैं एक किताब नहीं लिख सकता। मैं एक शेर नहीं मार सकती। मारेंगे कल। ये बाजा कहाँ बज रहा है? गांव वाले नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मैंने आपके गांव वालों का नाच नहीं देखा। देखना चाहेंगे? तो चलिए मेरे साथ, मैं देखूं। सो विलियम साहब नहीं आए, वो तो दिल्ली में ही रह गए हैं। अकलमंदी की, हमारे साथ के सामने तुम्हारे साथ क्या टिकेंगे? तमाम औरतें उनके पीछे दीवानी बनी रहती है। ना मालूम क्या जादू है कमर साहब की आंखों में। यार वाला कुछ समझ में नहीं आता, हमने तो सुना था कि औरतें गहने और जेवर से बस में हो जाया करती हैं। इतना कीमती मोती का हार विलियम साहब ने मेरी मेम साहब को खुश करने के लिए दे दिया, मगर ना जाने वो कैसी औरत है, उस पर तो कुछ असर ही नहीं होता। वो तो तेरे कुंवर की तरफ खींची जा रही है। प्यारे लाल ये ठीक नहीं। मंजू जरा सुनो तो। क्या है? तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया? शिकार के लिए? ना, मैं तुमसे मिलने आया। मंजू तुम कितनी अच्छी लगती हो मुझे। आप बहुत बोलते हैं। मंजू जरा सुनो तो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ यहाँ कुछ होने लगता है मुझे। क्या होने लगता है? तुम खुद ही देख सकती हो। मंजू 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 क्या तुम तंदाना तंदाना मुश्किल है प्यार छुपाना, तंदाना मुश्किल है प्यार छुपाना, तंदाना 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 प्रीत नहीं दर्द पुराना, तंदाना प्रीत नहीं दर्द पुराना, तंदाना जहान को।
गाते हैं ये तराने। चंदाना तू बदल तो बदल जमाना, चंदाना तू बदल तो बदल जमाना, मुश्किल है प्यार छुपाना। तुम भी आ रहे जी? आ रहा हूँ मैं। अच्छा माँ बड़ा हाथी भाई, पहले पहले बंदूक दे देना। चलना Thank you.
चलिए डॉक्टर साहब चल के ढूंढे जंगल में, मगर हमारे पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, चलकर ढूंढना चाहिए जंगल में, चलिए। अरे कहीं पागल तो नहीं हो गए, जंगल का मामला है, जान का खतरा है, रात भर यहीं टहरा जाए, सुबह ही चले चलेंगे। तुम वापस नहीं जा सकते जोन, जिंदा से गुजरना खतरे से खाली नहीं संधेरे में।
बहुत खूबसूरत। क्या चीज? हर चीज। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बाल, तुम्हारी अदा, ये चट्टान, ये पहाड़ी नाला, झूमते हुए पेड़ों की ये लंबी लंबी छाया, हवा की इथलाते हुए झोंके, शेर की दहाड़, तारों भर ये रात, और फिर तुम मेरे साथ, सबसे खूबसूरत। तुम अजीब हो, खतरे के बीच मुस्कुराते मैंने किसी और को नहीं देखा। खतरे से खेलना मुझे अच्छा लगता है। तुम हमेशा जंगल में जीता जागता शेर देखना चाहती थी, और आज उसकी धार से कांप रही हो। नहीं, अब मैं नहीं डरती। तुम जो हो मेरे साथ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ रंजीत, मुझे बहुत अच्छा लगते हो। मैंने तुम्हें जिस रोज पहली बार देखा था, उसी रोज अपना दिल खो बैठा था जोन। याद है वो रात जब गाड़ी के बिगड़ जाने की वजह से तुम जंगल में सड़क पर परेशान हाल खड़े? याद है, अच्छी तरह याद है, जब तुम अंधेरे को चीरते हुए न जाने कहां से अलिफ लैला की शहजादी की तरह आन पहुंचे थे। तुम्हारी मदद को भला मैं ना आता। सवेरा हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ है हमीरो? स्वर्ग में। चलो पृथ्वी पर चलकर अपने दोस्तों से मिले। कम ऑन। मगर कैसे पता चलेगा कि कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अभी नजदीक कहीं होंगे। मैं बंदूक चलाता हूँ, आवाज सुनकर वो जरूर आ जाएंगे। बंदूक की आवाज क्या? जल्दी चलो, भाग जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। घबराइए नहीं मिस डेविस, एक्सीडेंट की वजह से आपको नर्वस शॉक लगा है, आप 2-3 दिन ही में ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं घबराती डॉक्टर। गुड नाइट मिस डेविस। गुड नाइट। गुड नाइट संजीव। गुड नाइट डॉक्टर। अब तुम सोने की कोशिश करो जोन। तुम जा नहीं रंजीत, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं नहीं जा रहा। जानती हो जोन, पिछले ये दिन तुम्हारे साथ कितने अच्छे गुजरे। मेरी भी। ओ रंजीत, अब मैं तुमसे अलग कभी न रह सकूंगी। यार प्यारे लाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। क्यों? इसलिए भाई, शिकार पर चलने के लिए। तुम्हारी मेम साहब आज फिर शिकार पर जा रही हैं। मेरी मेम साहब? हाँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। समझ गया, तुम शेर से डरते हो। मैं शेर से डरता हूँ? हाँ, शेर मुझसे डरता होगा। तैयार हो गई? बस 2 मिनट में होती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आज? बिल्कुल। मुझे अफसोस है रंजीत, मेरी खातिर तुम्हें शिकार और दोस्तों को छोड़कर 3 रोज तक मेरे पास रहना पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो जोन? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? ये चाहता है तुम हमेशा मेरे पास बनी रहो। कितनी अच्छी लग रही तुम आज। मैं शेर मारूंगी? हाँ जरूर, तुम क्या नहीं मार सकती आज, मुझे तो मार डाला तुमने। और साहब। हाँ मंजू। गोपाल भैया बुला रहे हैं।
अच्छा मैं अभी आया, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर आता हूँ। अच्छा कहाँ है गोपाल? उधर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आइए। आज तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, रंजीत के साथ मैं शिकार को जा रही हूँ, आज मैं भी शेर मार कर लाऊंगी डॉक्टर। अच्छा, रंजीत बड़ा खुश मिजाज है। वो बड़े अच्छे हैं, बड़े लीडर। और मैं समझता हूँ आप रंजीत को चाहने लगी हैं, क्यों? हाँ डॉक्टर, मैंने अपने को लाख रोकना चाहा, मगर न रोक सकी। क्या वो भी आपको चाहती है? हाँ। ये ठीक नहीं हुआ मैं डेविस। आपका मतलब? ये तो बुरी रही शांति के लिए। शांति? कौन शांति? रंजीत की स्त्री। रंजीत की स्त्री? रंजीत शादीशुदा है, उन्होंने मुझसे कभी कहा नहीं। पिछले साल जब ये रंजीत की स्त्री शांति को बच्चा पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने कहा कि नक्षत्र और घड़ी के हिसाब से रंजीत का साया बच्चे या माँ पर साल भर तक नहीं पड़ना चाहिए, वरना मृत्यु भय है, उनकी जान का खतरा है। इसलिए रंजीत जयपुर छोड़ के चला आया और तब से बराबर इधर उधर घूम फिर रहा है। परसों एक साल पूरा हो गया, मगर रंजीत आप में इतना खोया हुआ है कि उसे कुछ बन नहीं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं डॉक्टर। दोष किसी का नहीं, ना तुम्हारा ना रंजीत का, लेकिन बेचारी शांति की जिंदगी का सवाल है। जॉन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं समझती हूँ आज मैं ना जाऊँ रंजीत। मगर अभी अभी तुम कह रही थी कि आज के दिन मैं आराम करूंगी। क्या बात है जॉन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर मैं भी नहीं जाता, तुम्हारे पास रहूंगा। नहीं रंजीत तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा प्रोग्राम। चलो रंजीत, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। गोपाल ले जाओ इन्हें, जाओ रंजीत शेर मार कर। चलो चले। अच्छा तो तुम, अच्छा तुम अपना ख्याल रखना डॉक्टर जरा। बाय। मैं यहाँ से चली जाऊंगी डॉक्टर आज, अभी मुझे स्टेशन तक मोटर मिलेगी। मैं इंतजाम कर। बड़ा ही मजा आया आज, तुम शिकार का मजा आया। जॉन, ओ डॉक्टर आज आप हमारे साथ शिकार पर नहीं आए, इतना मजा है कि क्या कहने। जॉन कहाँ तुम? जॉन कहाँ डॉक्टर? वो चली गई आज सुबह। चली गई कहाँ? ये मुझे कुछ नहीं बताया। मगर ऐसे कैसे चली गई डॉक्टर बगैर कुछ बताए? मेरे लिए कुछ नहीं कहा? सिर्फ इतना कि ये मयूरपंख रंजीत को लौटा देना। कुछ खबर है रंजीत? आज 3 मार्च है, तुम्हें जयपुर से लौटे हुए पूरा 1 साल और 3 दिन हो गए। 3 मार्च, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। तुम्हारी स्त्री तुम्हारा इंतजार कर रही है और ये चिट्ठी तुम्हें दी है। कब दी थी? जिस रोज मैं जयपुर से आ रहा था। आपने मुझे पहले क्यों दी डॉक्टर? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा रंजीत, मगर तुम मुझे दिखाई नहीं। दूसरे ही दिन मैं जयपुर के लिए रवाना हो गया। बहुत ऊंचा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ विलियम साहब, हमारे इस कुतुब मीनार के मुकाबले में दुनिया भर में कोई मीनार नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली इसे देखने के लिए। आपको पता सारा का सारा पत्थर का बना हुआ है। मैं सच कहता हूँ विलियम साहब, इस कुतुब मीनार का दुनिया में जवाब नहीं, ना चौड़ाई में, ना लंबाई में और ना ऊंचाई में। बेहतरीन। Thank you.
और जो उन गाइड को साथ ले विलियम के पास दिल्ली लौट आई, मगर जो उनका दिल ठिकाने नहीं, वो खुद कहीं भटक रही है और उसका दिल कहीं और। वो हिंदुस्तान एक कहानी लिखने आई है, मगर अब वो महसूस करती है कि वो खुद ही एक दास्तान हुई जा रही है। Nice to see you, Mr. Desai. Hello, Mr. Griffith. Namaste, Mr. Davis. Namaste. कहिए अच्छी तो हैं आप? आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? मैं जयपुर जाने के लिए आया। वहाँ मेरे एक दोस्त बहुत बड़े जमींदार के लड़के की शादी, कुछ जेवरात लिए जा रहा हूँ। चलिए ना आप दोनों भी मेरे साथ, जयपुर भी देख लेंगे और शादी भी। क्यों मिस डेविस? ये तुम्हें क्या हो गया है जोन? जब से तुम शिकार से लौट कर आई हो, दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहती हो तुम? क्या बात है? मुझे पसंद है दिल्ली। मैंने कहा चलो ना जयपुर। ऑलराइट, अगर तुम चाहते हो। पहाड़ों के बीच बसा हुआ राजस्थान का खूबसूरत शहर जयपुर ज्यों ज्यों करीब आने लगा, जो उनका दिल कभी उछलने कभी धड़कने और कभी बंद होने लगा। लीजिए मेम साहब, ये आ गया जयपुर। बड़ा पुराना शहर है मगर खूबसूरती में इसका जवाब नहीं। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। सो दिस इज द पिंक सिटी ऑफ जयपुर, लवली। जिधर नजर जाती है लाल पत्थरों के मकान ही मकान नजर आते हैं। इन्हें इन्हीं में से किसी एक कोठी में शायद रंजीत रहता हो। ॐ मूलाय स्वाहा, ॐ ओमाय स्वाहा, ॐ ईशाय स्वाहा, ॐ ब्रह्मय स्वाहा। अरे बस करो आशा, इस चांद के मुखड़े को ज्यादा देर तक शीशे के सामने रखोगी तो कहीं शीशा न टूट जाए। तुम तो हमेशा मजाक करती हो। जानती हो रंजीत भैया तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या सुनो? कहते हैं सारे जयपुर में तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत कोई नहीं है। तुम्हारे भैया ही क्या, हर आदमी यही दावा करता है कि उसकी स्त्री दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। और अम्मा सुन। जी बीबी जी। वो फूलों के हार की टोकरी बाहर मंडप में ले जा और देख गुरु जी से कहना बिल्कुल तैयार रहे, बारात अभी आने वाली है। जो हुकुम। ओ भाभी, आज न जाने कैसा तो लग रहा है, दिल बड़ा धड़क रहा है। मैं जानती हूँ आशा, स्त्री के जीवन में ये दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अपने ब्याह के दिन क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा था भाभी? हाँ सच बताओ भाभी, तुम रंजीत भैया को बहुत चाहती हो ना? हाँ। और वो क्या तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं? मैंने उनके प्रेम को तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की आशा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पाने से कहीं ज्यादा आनंद देने में आता है। और भाभी, कहीं मुझे अपने पति से प्रेम न मिला तो? ऐसा कभी नहीं होगा, जो प्रेम करता है उसे जरूर प्रेम मिलता है। एक बात याद रखो आशा, शादी दो शरीरों का ही नहीं तो आत्माओं का मिलन है। ये रही तुम्हारी मम्मी, बच्चा आपके लिए रो रहा है। दीदी जी आ जाए मेरे लाल।
मेरे मुन्ने को यहाँ नहीं तुम आशा तैयार बारात नहीं है अभी तक आती होगी पिताजी को देखा तुमने सारा घर उठा रखा है सर पर तुम इधर क्या कर रहे हो मजे से घूम रहे जाओ उनका हाथ बताओ मुझे कुछ रुपए चाहिए पर तुमने क्या हो गया क्यों रोते सरकार दूल्हा जी आ गए बारात पहुंच गई जाओ जाओ बारात के आगमन करो रंजीत सुनो तो हाथ धोने को लिया बहुत अच्छा प्रभु मैं अभी लेकर आता हूं ठाकुर गुप्त सिंह आप मेरे दोस्त गिसाई से मिलिए आप बहुत बड़े जौहरी हैं और आपके पास वो जवाहरात हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे बड़ी खुशी हुई मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ठाकुर साहब आप हैं मिस्टर डेविस आप हैं मिस्टर क्रिकेट और आप ठाकुर गुप्त सिंह ठाकुर साहब की लड़की ही मेरे लड़के की दुल्हन है मिस डेविस अच्छा मिस इंग्लैंड की बहुत बड़ी लेखिका है और आप हिंदुस्तान देखने आई हुई बड़ी खुशी की बात है और आप मिस्टर ग्रिफिथ आपके मंगेतर हैं और आप खदान के इंजीनियर हैं खदान के इंजीनियर तब तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आइए आपको रंजीत से मिला दूं उन्हें साहित्य और शिकार का बड़ा शौक है ये आ गए रंजीत मिस जॉन डेविस से मिला तुमने तो इनकी किताबें पढ़ी होगी जी हाँ फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी और वो भी मेरे ही मकान पर कहिए मिस्टर ग्रिफिथ कैसे हैं शुक्रिया मैं अच्छा हूँ ओ प्यारे लाल तुम भी आए जी हाँ हम लोग ठाकुर के हाँ ठहरे हैं और धूला के साथ आए हैं वाकई अजीब बात है मुझे कभी ये शक भी नहीं हुआ कि तुम यहाँ रहते हो रंजीत मेहमानों को बैठा जी पिताजी आइए तपदी कहते हैं यानी दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जन्म भर एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं अब ये शादी पक्की हो गई यानी अगले जन्मों के लिए भी हाँ तुम तो उब गई होगी हमारे यहाँ शादी की रस्में जरा लंबी होती बिल्कुल नहीं मुझे बड़ी दिलचस्प मालूम होती है रस्में यहाँ की वो दुल्हन के बाजू में कौन खड़ी है कौन कहाँ वो लाल घाघरा पहने हुए वो मेरी स्त्री है तुम्हारी स्त्री शांति उनसे मेरी मुलाकात नहीं कराओगे अगर तुम चाहती हो तो हाँ मिलता शांति तुम्हें याद है कुछ दिन हुए मैंने जॉन डेविस के बारे में जिक्र किया था आप ही हैं इंग्लैंड की मशहूर लेखिका मेरी स्त्री शांति बड़ी खुशी है आपसे मिलकर मुझे भी आपके पति से मेरी मुलाकात कुछ हफ्ते पहले शिकार में हुई थी मुझे मालूम है शिकार पार्टी की तस्वीरों में आप भी हैं मैंने देखा आपके पति का निशाना बड़ा अच्छा है जी हाँ ये बड़े अच्छे शिकारी हैं कितनी अजीब बात है शांति जॉन हमारे यहाँ शादी में शरीक भी हुई तो दूल्हे की तरफ मुझे तो जरा भी पता नहीं था कि दुल्हन तुम्हारी बहन और ये घर तुम्हारा है अच्छा किया जो आप आए अब रात की दावत में भी आपको यहाँ शरीक होना और रात की दावत के बाद आप नाच भी देखेगा इस खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो भूलिएगा नहीं मिस्टर ग्रिफिथ खदान के सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए आपने वायदा किया है कि जयपुर में कुछ और दिन ठहरेंगे आप जैसा चाहें अच्छा Thank you.
मोरे सांवरे पिया, ये बरखा बहार का कन्या के द्वार, न जा मोरे सांवरे पिया, न जा मोरे सांवरे पिया, न जा मोरे सांवरे पिया। भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप पहुँच कर आप इनकी मुलाकात किसी अच्छे इंजीनियर या कॉन्ट्रेक्टर्स की फर्म से करा दे। तुम्हारे कागजात और पासपोर्ट तैयार है ना रंजीत? जी पिताजी। तो तुम इन लोग के साथ कल इंग्लैंड जा रहे हो ना? जी पिताजी। ठीक है, आइए मिस्टर ग्रिफिथ, खदान पे चले। अच्छा चलिए। जॉन, एक खबर है तुम्हारे लिए। पहले ही सुन चुकी हूं मैं। मुमकिन नहीं,
कोई नहीं जानता इस बात को सिवाय पिताजी के और मेरे। ऐसा तुम समझते हो? अच्छा बताओ क्या बात है भला? यही कि तुम्हारी स्त्री और बच्चा है, अपने अकेलेपन से तंग आकर खिलौना बनाया तुमने मुझे। तुम इस तनस से क्यों बात कर रही हो जॉन? तुमने क्यों नहीं बताया रंजीत कि तुम शादीशुदा हो? मैं चाहता था मगर मौका नहीं मिला। ये झूठ है, तुम्हें कई मौके मिले। तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? फिर तुमने ये नाटक क्यों खेला रंजीत? जॉन इस तरह न उलझो, मैंने तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं खेला। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ जॉन, और कल मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड चल रहा हूँ। क्या कल? हाँ कल हम दोनों एक ही हवाई जहाज में होंगे। Oh,
तुमसे दूर क्यों भागे जा रही हूँ? मैं तुमसे दूर कहाँ भागे जा रही हूँ, मैं तो तुम्हें साथ लेकर भाग रही हूँ। कितना अच्छा बोलती हो, तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला। तुम खुश तो हो शांति? बहुत, मैंने तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया। तुम मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ शांति कि शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को चाहता होगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मैं तुम्हारी ही पत्नी बनूं, ताकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकें। हाँ, ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रह सकें, हमेशा एक साथ रह सकें, हमेशा। शांति, शांति, शांति। क्या है? क्या बात है, तुम इस तरह अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? कुछ नहीं, यूं ही बैठी थी, शायद झपकी लग गई। क्या बात है? दफ्तर में मैं अपना बैग छोड़ गया था, है नहीं दे रहा। मैंने रखा है, मुनीम जी ने अंदर भिजवा दिया था। देना। ये पंखा तुम्हें कहाँ मिल गया? तुम्हारे दफ्तर से लाई मैं। मयूर पंख मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे लिए ही लाए थे तुम ये पंखा? हाँ, तुम्हारे लिए ही लाए थे। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती शांति। क्या बात है? लाओ, मैं सर दबा दूं। नहीं, रहने दो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो जाओ, हो आओ कुछ दिन। कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी, शायद इंग्लैंड ही चला जाऊं। अच्छी बात, जैसे तुम्हारी मर्जी। आजकल तुम्हें मंदिर में जाते नहीं देखा मैंने। देखो, आरती हो रही है, जाओ, हो आओ, मन को शांति मिलेगी। खामोश, मुझे ज्ञान न सिखाओ। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, एक में क्या हो गया? छोड़ दो अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो। ये देता हूँ। हाँ हाँ, धारिये। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप जाने के लिए तैयार है? जी हाँ, रंजीत को लेने आए हैं, करीब आधे घंटे में हवाई जहाज चला जाएगा। तो पहले आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, लंदन जाने के लिए आपको हवाई जहाज वहाँ तैयार मिलेगा। जी हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं शांति से जरा मिला हूँ। जो नहीं आई? वो भी शांति से मिलने गई है। रंजीत कह रहा था तो वो वहाँ से जल्दी नहीं लौटेगा। अच्छा, तुम्हारी खातिरदारी मुझे हमेशा याद रहेगी शांति। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छों को दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं अच्छी नहीं, फिर भी शुक्रिया। ये क्या कह रही हो? रंजीत तुम्हारे साथ इंग्लैंड जा रहे हैं जो, वो एक हफ्ते में लौटने को कह रहे हैं, मगर मुमकिन है बहुत दिनों तक ना लौटे। क्यों? क्योंकि मन की लहर ठहरी, उनकी तबीयत में ही कुछ बच्चों की सी जल्दबाजी, कुछ उतावला बना है। शायद तुम नहीं जानती जॉन, जब वो बच्चा थे तभी उनकी माँ स्वर्ग पास हो गई, इसीलिए उनका दिल बड़ा भावुक है, उन्हें हर किसी से मोह हो जाता है, और शायद इसीलिए
उन्हें हर कोई चाहने लगता है। रंजीत उन लोगों में से हैं जो बिना प्रेम के जिंदा नहीं रह सकते। ये सब मुझसे क्यों कह रही हो शांति? पता नहीं, शायद इसीलिए कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, शायद इसीलिए कि तुम वहां रंजीत के पास रहोगी और मैं यहां इतनी दूर। तुम रंजीत को बहुत चाहती हो ना? हाँ, रंजीत मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ है। तुम्हें डर नहीं लगता कि इंग्लैंड जाकर रंजीत वापस न लौटे? कोई औरत उन्हें तुमसे चुरा ले, छीन ले? नहीं जो, मुझे नहीं डर लगता। प्रेम के मंदिर में कभी चोरी या छीना छपटी नहीं होती। अग्नि के सामने मेरे और रंजीत के फेरे पड़े हैं। हम दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। हम दोनों के शरीर ही नहीं, आत्मा भी एक है। उन्हें मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। वो हमेशा मेरे पास रहेंगे। तुम मुझसे वादा करो जॉन कि वो जब तक तुम्हारे देश में रहे तुम उनका ख्याल रखोगी। अगर वो वापस न लौटे तो? ये नामुमकिन है, वो जरूर लौटेंगे। वो मुझे बहुत चाहते हैं। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं हर जन्म में तुम्हारे ही कदम पर। तुम रंजीत को बहुत चाहती हो ना? हाँ, रंजीत मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे सब कुछ। रंजीत मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे सब कुछ। रंजीत मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे सब कुछ। आज मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। एक तरफ जोन की मोहब्बत मुझे खींच रही थी और दूसरी तरफ शांति का प्रेम। रंजीत को क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में भगवान की आरती हो रही है, शायद वहीं। बोलो, दिमाग में उठते हुए इस तूफान ने मुझे पागल बना दिया। क्या ठीक है और क्या गलत है, ये सोचने समझने की मुझ में ताकत न रही। और आखिर मिट्टी के बने हुए इंसान की तरह हाथ पसारे भगवान की शरण में मैं जा पहुंचा। सरकार, सरकार, सरकार का खाली विजिट। क्या है बाला? बड़े सरकार बुला रहे हैं, आपको भी मैम साहब। अभी आते हैं, जल्दी कीजिए, हवा आज का वक्त हो गया। अच्छा, मैं अभी भेज दूँ सरकार। Thank you.
शांति, तुम रंजीत का ध्यान न तोड़ो। अगर मैंने उनको नहीं जगाया तो उनका हवाई जहाज चुक जाएगा और वो तुम्हारे साथ जा नहीं सकेंगे। वो मेरे साथ न जाए तो ही अच्छा है। शांति जी, रंजीत कहाँ है? वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हवाई जहाज छूटने में कुछ ही बाकी रह गए हैं, उन्हें जल्दी जाकर बुला ला। मिस्टर ग्रिफिथ जल्दी मचा रहे हैं। मैंने उनको बहुत जगाना चाहा, लेकिन जॉन ने मुझे मना कर दिया। मगर हवाई जहाज चूक जाएगा। ठाकुर साहब, वो हमारे साथ न जाए तो ही अच्छा है, उन्हें वहीं रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी खूबसूरत दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं शांति का सुहाग उजाड़ना नहीं चाहती, उन्हें यहीं रहने दीजिए। अच्छा शांति, नमस्ते। मुझे अफसोस जिस बात का है कि मैं अपने साथ कोई याददाश्त नहीं ले जा रही। ये लो जो, ये मयूरपंख लेके जाओ। हम दोनों की तरफ से तुम्हें ये प्रेम भेंट है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुमको बहुत जगाना चाहा, लेकिन आरती की आवाज में तुम मुझे सुन न सके। मैं अंधा हो गया था शांति, मैं भटक गया था रास्ता, अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ करो। नहीं, ऐसा ना कहो। तुम मुझसे दूर जा ही कब रहे थे? ओ शांति, शांति की प्रेम भरी बाहों में ही आज मुझे सच्ची शांति मिली। मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुनो, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुनो। वो दिल थाम लो है जमीन आसमाए, मोहब्बत की दास्ता सुनो, वो दिल थाम लो है जमीन आसमाए, मोहब्बत की दास्ता सुनो। जमाने का दिल ताजदार है जहाँ, जमाने का दिल ताजदार है जहाँ। अजब शान थी जिसकी उल्फत भरी, अजब शान थी जिसकी उल्फत भरी, उसे मिल गई प्यार की एक परी। इश्क होने लगा उसी पे मेहरबानी, मोहब्बत की दास्ता सुनो, मोहब्बत की दास्ता आज सुनो, मोहब्बत की दास्ता सुनो। गुजरने लगी चैन से जिंदगी, वो मुमताज एक राज कहने लगी। गुजरने लगी
चैन से जिंदगी वो मुमताज एक रोज कहने लगी, धड़कते दिलों में जवानी रहे, धड़कते दिलों में जवानी रहे, जहां में हमारी कहानी रहे, रख दो दुनिया में अपने प्यार का एक निशानी, मोहब्बत की दास्तां सुनो, मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, मोहब्बत की दास्तां सुनो। इस तरह काज का जगमगाया निकाये, मोहब्बत की दास्तां सुनो, मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, मोहब्बत की दास्तां सुनो।